फ्रेंड्स, आज हम इसी स्वेटर के साथ की आपको कैप बनाने जा रहे हैं। ये देखिए स्वेटर बनके कंप्लीट हो गया है। अब हम इसी के साथ की कैप बनाना बताएंगे। तो इस कैप को बनाने के लिए हमने 82 फंदे डाले हैं। 82 फंदे डाल के एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर बना लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, दूसरी सिलाई में एक सीधा एक उल्टा तो बन गया। अब हमें इसके लिए वो बनाना है, एक सीधा एक उल्टा सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमें एक फंदा उल्टा पहले ऐसे उतार लेना है। उसके बाद फिर ये उतारने के बाद इस फंदे को ऐसे पीछे करना है। फिर हमें क्या करना है, इसके नीचे से सिलाई ले जाकर इस फंदे को लेके आना है और फिर ऐसे बनाना है। इसको बनाने के लिए ये बिल्कुल रेडीमेड जैसा बॉर्डर लगेगा, बिल्कुल जैसे ये बॉर्डर बनाया है हमने। देखिए डबल बॉर्डर लग रहा है गले में, जैसे ये डबल बॉर्डर लग रहा है। उसके बाद उल्टी उल्टी धारियाँ बनाई हैं, बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए एक फंदा सीधा बनाया, फिर ऊन आगे करके एक फंदा उल्टा बुना। ये सेम ऐसे ही बुनेंगे और सीधा फंदा बनाने के लिए ऊन पीछे करेंगे और ऐसे सिलाई ले जाएंगे और इस फंदे को ऐसे वापस लाएंगे और यहाँ पे ऐसे बना देंगे, तो ये फंदा सीधा बन जाएगा। फिर हमें उल्टा फंदा ऐसे बनानेंगे और उसके उल्टे फंदे को ऐसे ही बिनेंगे और उसके बाद सीधा फंदा बनाने के लिए ऊन पीछे करेंगे, सिलाई को नीचे से ले जाएंगे और फंदे को लेकर के आएंगे और फिर ऐसे चढ़ा करके और ये फंदा बुन देंगे। तो ये बॉर्डर देखने में लगेगा कि डबल बॉर्डर है और ये बहुत ईजी है। देखिए इस तरह से बॉर्डर 82 फंदे डाल के हम इसके बॉर्डर इसी तरह से बना रहे हैं। फिर हम बॉर्डर बना के फिर इसका ऊपर का थोड़ा सा बना के फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कैप बनाने के लिए हमने इतना बनाया। ये डिज़ाइन जो कि हमने इस स्वेटर में डाला था वही वाला सेम डिज़ाइन है। देखिए पहले हमने ऐसे बॉर्डर बना लिया, ये बॉर्डर हमने आपको बताया था इस तरह से बनाएंगे। फिर दो सिलाइयाँ उल्टी बनेंगे और मतलब एक दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनेंगे तो उल्टियाँ उल्टियाँ आ जाएंगी दो साइड। फिर दो सीधी बनेंगे, फिर ये दो फंदे का ये डिज़ाइन है। उसके बाद फिर दो सिलाई सीधी है, फिर दो सिलाइयाँ उल्टी बनेंगी। इस तरह से हम 9 सेंटीमीटर तक करीब इतना हम बनाएंगे। इतना तक बना के फिर हम आपको दिखाते हैं। हाँ हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए कि हमने 82 फंदे यहाँ पर डाल करके 9 सेंटीमीटर तक की यहाँ पर बना लिया है। इस बॉर्डर को मिला के 9 सेंटीमीटर तक बना लिया है। इसके बाद हम यहाँ तक बिन के तैयार करके अब हमें इसको 5 भागों में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम 20 फंदे रखेंगे, यहाँ पे 20 रखेंगे, फिर यहाँ पे 16 रखेंगे, यहाँ 16 और बीच में 10 रखेंगे और फिर देखना ये टोपी कैसे बनाते हैं। अब हमने देखिए 20 फंदे बना लिए हैं। अब हम आप मार्कर लगा देंगे, तो यहाँ पर ऐसे करके मार्कर बना लगा देंगे। फिर हमें 16 फंदे बिनने हैं, तो 1, 2 ये हमारे 20 फंदे हैं, उसके बाद ये मार्कर लगा। उसके बाद हमें 16 फंदे बिनने हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 फंदे बनाने के बाद हमें ये मार्कर लगा देना है। इसके बाद हमें बीच में 10 फंदे बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर हमें ये मार्कर लगा देना है। इसके बाद हमें 16 फंदे फिर बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ पे भी एक मार्कर लगा देना है। अब यहाँ पर हमारे पास 20 फंदे बचे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये हमारे पूरे हो गए। अब उल्टी सिलाई हमको बिल्कुल इसी तरह सेम बना लेना है जो मार्कर लगा के,
और उसके बाद फिर राइट्स में फिर बताते हैं। ये देखिए हम सीधी सिलाई में आ गए हैं और हमने यहाँ पे 20 फंदे बिन लिए हैं। 20 के फंदे के बिनने के बाद हमने फिर यहाँ मार्कर लगा दिया। अब देखिए 16 सिलाई में कैसे बनाते हैं। 16 फंदे हैं यहाँ पर, ये बिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक फंदे को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, बिना बिने रोक देंगे और यहाँ से मुड़ जाएंगे। और मुड़ने के बाद, यहीं से मुड़ने के बाद हमको इस फंदे को ऐसे उतार लेना है। इस फंदे को पीछे से ऐसे करके ऐसे तब बनाना है। एक फंदे के दो बन गए, अब हमको ऐसे बनाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब यहीं एक फंदा इधर भी छोड़ देंगे और इधर से ही मुड़ जाएंगे। फिर मुड़ जाएंगे तो हम देखिए कैसे करते हैं। ऐसे कर इसको पहले फंदे को उतारेंगे और इस फंदे को उतारेंगे और इसको लेके आएंगे, ऐसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर दो फंदे बन गए। और फिर इधर बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और देखिए ये हमारा दो फंदे वाला दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हमें मार्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से हम फिर मुड़ जाएंगे और देखिए इस फंदे को उतारेंगे और इसको पीछे से मोड़ के लाएंगे तो यहाँ पर फिर दो फंदे बन गए। फिर ऐसे बनाएंगे जब तक कि हमारे सारे फंदे नहीं ख़त्म हो जाते, तब तक हम ऐसे जब तक बनाते रहेंगे। देखिए और बाकी हमें लास्ट में अभी दिखने लगेगा, जहाँ से हमारे एक के दो फंदे बन रहे हैं वो फंदा हमें दिखाई पड़ने लगेगा। ये देखिए यहाँ से हमें दिखने लगा है तो यहीं से फिर हम मुड़ जाएंगे फिर, और यहाँ से पहले फंदे को उतारेंगे और इसको ऐसे मोड़ के लाएंगे और तब सीधा बिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये देखिए दिख रहा है, फिर यहाँ से हमें मुड़ जाना है और यहाँ से पहले फंदे को उतारेंगे और ये ऐसे मोड़ लेंगे, ऐसे करके मोड़ लेंगे तो फिर यहाँ पर दो हो गए। फिर बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ से हमें फिर मुड़ जाना है, फिर मुड़ जाना, फिर पहले फंदे को उतारना है और इसको ऐसे मोड़ के लाना है, तब ये सीधा करना है। तो फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिर यहाँ से मुड़ जाना है और फिर पहले फंदे को उतारा, ऐसे डबल किया कि दो बन गए और फिर ऐसे उल्टा बिना। इतने ही फंदे को, ये 16 फंदे को हमें ऐसे ही बनाते हुए चले जाना है। ये देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारे यहाँ से दो फंदे हैं, यहीं से हमने फिर मोड़ लिया, पहले फंदे को उतारा, इसको ऐसे मोड़ के लाए, दो बनाए और तब बिनना शुरू किया 3, 4, 5, 6 ये बिन लिया। फिर यहाँ से हम मुड़ गए, पहले फंदे को उतारा, ऐसे पीछे घुमाया और तब उल्टा बिनना शुरू किया 1, 2, 3, 4 और ये किए 5। फिर यहाँ से हम मुड़ लिए, पहले फंदे को उतारा, आगे किया पहले फंदे को, नहीं ये पीछे ही रहेगा, इसे उतारा और इसे मोड़ लिया, दो बना लिए, फिर बिनना शुरू किया 2, 3 और 4। 4 के बाद फिर हमने मुड़ लिया, मुड़ने के बाद फिर पहले फंदे को ऐसे किया और ये डबल बनाया, तब ऐसे भी नहीं 2, 3, 4 फिर ऐसे ही मुड़ लिया
पहले फंदे को उतारा, ऐसे मोड़ा, दो बनाए, फिर बुना वन और टू, फिर ऐसे मुड़ गए, पहले फंदे को उतारा, एक के दो बनाए और ऊन आगे करी, एक फंदा बुना। अब हमें क्या करना है कि एक का दो बनाया और इस ये जो दो फंदे दिख रहे हैं इन दो जो एक हमारा बचा है इसको और ये दो फंदों को दोनों को मिला के एक करना। जो अभी तक हम एक से दो बना रहे थे अब हमें दो नहीं बनाने हैं, अब दो का एक करना है, इन दो फंदों को एक बनाना है। एक बनाया और ऐसे मुड़ गए, पहले फंदा उतारा, एक बिना, सॉरी, जब ये एक फंदा बचेगा मेरा तो हमने ये एक फंदा बुन लेना है और इन दो फंदों का एक बना लेना है और यहीं से फिर मुड़ जाना है। फिर हमें क्या करना है, एक फंदा बिना, दो फंदा बुना और इसको मिला के ये दो का एक करना है और फिर यहाँ से मुड़ जाना है। फिर यहाँ से मुड़ना है तो हमें एक फंदा बुनना है, उतारा, फिर एक और एक ये मिला के दो का एक करना है, इन दो का मिला के एक कर लेना है और फिर यहीं से मुड़ जाना है। फिर पहले फंदा उतारा, फिर एक, दो और इन दो फंदों का एक कर देना है, तीन हो गया। फिर यहाँ से मुड़ जाएंगे, पहले फंदे को उतारा, फिर एक और दो और इन दो फंदों का एक बनाना है। देखिए पहला फंदा उतारा, फिर बिना, दो, तीन, चार और इन दो फंदों का फिर एक बना देना है। फिर ऐसे मुड़ जाना है, पहले फंदे को उतारना है, फिर बुनना है वन, टू, थ्री, फोर और इन दो फंदों को एक बना देना है। कि कान की शेप थोड़ा थोड़ा बनने लगी है, फिर यहीं से मुड़ जाना है। इसी तरह हमारे 16 फंदों को पूरा करना है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और इन दो फंदों का फिर एक बना देना है। फिर यहाँ से मुड़ जाना है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और ये दो फंदों का एक बनाना है। फिर यहाँ से मुड़ लिए, पहला फंदा उतारा, बाकी बिन लिए, इन दोनों फंदों का एक कर दिया। फिर यहां से मुड़ लिए, पहला फंदा उतारा, बाकी बिन लिए ये 10 हो गए। इसके बाद फिर हमने पहला फंदा उतारा, इसी तरह बिनते जाना है हमको। तो इन दो फंदों का फिर एक करना है। फिर यहां से मुड़ जाना है, टाइट हो जाता है थोड़ा सा, इसको लूज करना पड़ता है, फिर बनाते हैं ये दो फंदों का एक।
फिर उल्टा मोड़ लिए, फिर पहले फंदे को उतारा, फिर बुना। फिर इधर से मुड़ लिए, ये देखिए मुट्ठी में आ गया, ये दो का एक किया और यहीं से मुड़ गए। फिर पहले फंदे को उतारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ पे दो फंदों का एक किया। फिर पीछे मुड़ गए, ये दो फंदों का एक किया, 15। फिर इधर मोड़ लिए, फिर पहले फंदे को उतारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। और इधर से फिर मुड़ लेंगे, फिर पहले फंदे को उतारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये रहा 16। अब ये फंदे, ये मार्कर हम हटा देंगे और ये फंदे को बिनेंगे, पूरी सिलाई बिनेंगे। और ये लास्ट का एक बचा 16 और ये मार्कर हटा देंगे और हम ये बीच के 10 फंदे भी बिन लेंगे। अब देखिए ये हमारा कान का शेप बन के आ गया। अब इसी तरह से 10 फंदे बिन लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद अब यहाँ पे जैसे हमने ये कान बनाया है उसी तरह से हमें यहाँ पे ये कान बनाना है 16 फंदों में। ये बना के फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने 13 इंच के करीब बना लिया है। ये देखिए दोनों इसके कान बन गए हैं। इसके बाद 6 सिलाइयाँ और बना ली हैं। अब हम घटाएंगे फंदे। अब हम कैसे घटाते हैं, ये देखिए इस तरह से घटाएंगे कि पहले फंदे को बिनेंगे और दो का एक करेंगे और इसके बाद हम 6 फंदे बिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 फंदे के बाद फिर 2 फंदे का एक बनाएंगे। इसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद फिर 2 फंदे का एक बनाएंगे। फिर हमें 6 फंदे बिनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
फिर दो का एक कर दिया, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर दो का एक बनाया, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर दो फंदे का एक बनाया, फिर 6 1 2 3 4 5 6, फिर दो फंदे का एक बनाया, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर दो का एक बनाया, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर दो का एक बनाया, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर दो फंदे का एक बनाया, फिर 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब इसी तरह से हम घटाएंगे, उल्टी सिलाई में हमें कुछ भी नहीं घटाना है, उल्टी सिलाई पूरी ऐसे ही बनानी है, उसके बाद सीधी सिलाई में फिर घटाने हैं फंदे। जैसे हमने 6 के बाद घटाया है, वैसे अब 5 के बाद, हर 5 फंदे के बाद 2 का 1 करेंगे। उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना है, फिर उसके बाद 4 फंदे के बाद 2 का 1, फिर 3 फंदे के बाद 2 का 1, फिर ऐसे करते हुए जब सारे फंदे ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसमें थोड़े फंदे बचेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे घटा देंगे। वो हम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने सारे फंदे घटा दिए हैं। अब फाइनल यहाँ पर मेरे पास 10 फंदे बचे हैं। अब इनको क्या करेंगे हम, कि ये देखिए इस तरह से आ गया है। अब हम इसको सुई पर सिल देंगे, सुई में। तो ऐसे करके एक एक फंदे को सुई में ऐसे करते जाएंगे। ये 10 फंदे बचे हैं सारे घटाते हुए। ये देखिए, इसको हमने ऐसे सुई से सिल दिया है। ये एक बार डबल फिर से कर देंगे। इससे कि खुले कि नहीं, ये देखिए हमारा फाइनल सिल गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक एक फंदा लेके, जो बाहर का एक एक दिख रहा है, इसका एक ये ले लेंगे और इधर से भी ये ले लेंगे। इस तरह से हम थोड़ा यहाँ तक की सिल देते हैं। थोड़ा सा सिलने के बाद फिर हम इसकी डोरी बनाएंगे। इस तरह से हम सिलते जाएंगे, थोड़ा सा सिल के फिर आगे फंदों को उठा के और हम इसके लिए डोरी बनाएंगे। बस इतना हमें सिल देना है बस।
ये देखिए, ये हमारी कैब बनके तैयार हो गई। कितना अच्छा आया, फ्रंट में ऐसे ऐसे आएगा। और देखिए, इसमें अब हम इसके फंदे ऐसे उठा देंगे। ऐसे से एक एक कली पे उठाते जाएंगे। इसके फंदे उठा लेंगे और हम अब तीन फंदे डाल के इसके लिए डोरी बनाएंगे। वो देखिए कैसे बनाते हैं हम। ऐसे फंदे डालेंगे, 1, 2, 3, और इससे नॉट बना देंगे यहाँ पर, जिससे कि खुले नहीं। और ये इससे बना दिया तीन फंदे। और अब देखिए हमें कैसे बुनना है इसकी डोरी बनाने के लिए। पहला फंदा बुनेंगे, दूसरा बुनेंगे, तीसरा बुनेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों फंदों को फिर इसी पे चढ़ा देंगे ऐसे, और फिर पहले से बुनेंगे। फिर पहला, दूसरा और तीसरा, फिर हम ये फंदे इसी सिलाई पे चढ़ा लेंगे। ये देखिए कैप बन के तैयार हुई। सारे फंदे कट गए, तो हमने यहाँ पर सारे फंदे का एक बना दिया। 10 फंदे बचे, इनको हमने सुई से सिल दिया। सिलने के बाद हमने यहाँ तक भी और सिल दिया। अब हम इसके लिए डोरी बनाएंगे। डोरी बना के देखिए हम कैसे बनाएंगे। तीन फंदे की डोरी बनाएंगे और ऐसे ही इसी फंदे पे चढ़ा लेंगे। देखिए दूसरी सिलाई पे बिन लेंगे, तीन फंदे डाले हैं ऐसे बनेंगे ये। फिर ऐसे बनेंगे, 1, 2, 3। इसके बाद हमें फिर इस सिलाई पे चढ़ा देंगे, फिर बिनेंगे 1, 2, 3। फिर इसके बाद इसके ऊपर चढ़ा लेंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, 1, 2, 3। ये जस्ट डोरी बना लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं।